कार की ठोकर से मंदिर के पुजारी समेत 3 घायल, जिला अस्पताल रेफर। निचलौल थाना क्षेत्र के सिसवानी चौल मार्ग पर बीती रात चंडी माता मंदिर के समीप एक कार की ठोकर से मंदिर के पुजारी समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार की रात चंडी माता मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल रहे हरेडी निवासी रिक्की सिंह, हृदय वर्मा व मंदिर के पुजारी व्यास मुनि पाठक कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद देर रात करीब 11 बजे चंडी माता मंदिर गेट से सटे निचलौल सिसवा मार्ग के किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी बीच सिसवा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को ठोकर मार दिया, जिसके बाद वह भागने लगा। ठोकर की सूचना पाकर आसपास के लोगों ने दौड़ाकर गाड़ी सहित कार चालक को पकड़ लिया। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मेरा नाम दीपक कुमार जायसवाल है, हरेडी वाल निवासी हूँ। घटना हनुमान जयंती जन्मोत्सव था, उसमें सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। प्रसाद ग्रहण करके समाप्ति की तरफ जा रहा था तो सब मंदिर की फाटक वाटक सब बंद करके पुजारी जी और हम जा रहे थे, तब तक तो हृदय वर्मा रिक्की सिंह ये लोग आए मेरे साथ। हम लोग एक तरफ मंदिर के कोने में खड़े होकर बात कर रहे थे, तो उधर से गाड़ी आई है स्पीड से, तो हम लोग चिल्लाए पहले ही कि गाड़ी हम लोग साइड में आ रही है। तो हम लोग ने ऐसा धक्का मारा कि वो लोग दिया गए, हम दौड़ के भाग गए, क्योंकि साइड तो पूरा रोड खाली, रोड तो बहुत किनारे में, बहुत किनारे। कई लोगों को लगा, कई लोगों को चोटें आई हैं, 3 लोग चोटें आई है। इसको किसको? अरे व्यास मुनि पाठक, जो क्या नाम है कि मंदिर का पुजारी है, और रिक्की सिंह का पैर फ्रैक्चर हुआ है, और हृदय वर्मा जो अभी अस्वस्थ है, कब दिख रहा है। घटना कहाँ पे हुई है? घटना चंडी माता मंदिर रोड, सिसवा रोड पे हुई।